पुलिस महानिरीक्षक इंदौर और राकेश गुप्ता अब पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर चंद्रशेखर सोलंकी आदित्य प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक धार देवेंद्र पाटीदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार के द्वारा अवैध हथियार के निर्माण और विक्रय करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु लगातार निर्देशित कर मार्गदर्शन दिए गए थे। इस हेतु पुलिस टीम भी बनाई गई। थाना गंदवानी के तहत ग्राम बारिया में अवैध हथियार निर्माण और विक्रय हेतु कुख्यात है। ग्राम बारिया में दबिश दी गई और दबिश के दौरान आरोपी लखन पिता प्रधान सिंह बरनाल जाति सिकलीगर निवासी ब्लॉक कॉलोनी बारिया के कब्जे से पुलिस टीम गंदवानी द्वारा अवैध हथियार निर्माण सामग्री घातक हथियार 2 पिस्तौल 9 देशी कट्टे 4 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में निर्माण सामग्री जब्त की गई है। जो है पूरी फैक्ट्री गंदवानी पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे आईजी साहब श्री राकेश गुप्ता साहब पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण रेंज इंदौर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी साहब ग्रामीण इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप साहब एसपी धार एडिशनल एसपी श्री देवेंद्र पाटीदार साहब धार इनके द्वारा अवैध हथियारों बनाने वालों के विरुद्ध जो है और बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तो लगातार निर्देशित किया गया था और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया था। और इसी कड़ी में थाना गंदवानी के तहत जो ग्राम बारिया है जो इस लिए अवैध हथियार बनाने की कुख्यात है इसमें पुलिस के द्वारा जो है एक बड़े स्तर पर एक दबिश दी गई थी और इस दबिश के दौरान जो है पुलिस के द्वारा लखन पिता प्रधान सिंह बरनाला जो सिकलीकर है उम्र 30 साल निवासी बारिया उसको पुलिस के द्वारा जो है पकड़ा गया और क्योंकि एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री संचालित कर रहा था तो इसके कब्जे से भारी मात्रा में पुलिस के द्वारा शस्त्र बनाने का सामान साथ में जो है 2 पिस्टल 9 देसी कट्टे एवं 4 कारतूस जिंदा।